किधर जा रही भैया रात में? तो बोली महाराज, महाराज हो रहा है वृंदावन, कृष्ण की लीला देखने जा रही। तो भोले बाबा कहने लगे, पार्वती अकेली अकेली जा रही है भैया, हमें भी लिए चलो, हम भी महाराज देखाएं। तो बोली प्रभु, वहां औरतें जाती हैं, पुरुषों का कोई काम नहीं है। शंकर जी कहने लगे, पार्वती जी ये कौन सा नियम है भाई, औरतें जाती है पुरुषों का काम नहीं है, मैं तो जाऊंगा। बोले तुम्हें तो कोई अंदर भी नहीं जाने देगा भोले बाबा, मतलब औरतों का काम है, आपका कोई काम नहीं। वहां तो शंकर जी ने उत्तर दिया है, पार्वती माँ औरतें तो जाती हैं, हाँ औरतों को कोई नहीं रोकता, हाँ भैया तो तुम्हारे पास तुम्हारी कोई साड़ी रखी है क्या? मतलब ये है। तो बोले बाना से एक दिन जनाने बनोगे, साड़ी पहनोगे तो तुम छुपोगे कैसे? ना तो तुम पे औरतें जैसी चाल आए और ना औरतें जैसी बातें आए, और जब डेढ़ हाथ की डाली लटक रही इसे कहां ले जाओगे भोले बाबा? गोपियां देखते ही देखते पहचान लेंगी, अगर आप जाओगे तो हमारी बड़ा बदनामी और बड़ा हंसी होगी, इसलिए आप ना जाओ, मत जाओ। शंकर जी बोले पूरी रात हो गई, मत जाओ तो मत ना जाओ। हम तो गए, साड़ी उठाए ले आए, जलाने बनने लगे, और तो बाला श्रृंगार करना शुरू कर दिया। भोले बाबा जलाने बने हैं महा, क्या दशा है शंकर जी की भक्तों? सजावे भोले मारो। अब बोलो पार्वती, अब भी कोई पहचानेगा क्या? पार्वती बोली, शंकर जी मान जाओ, मत जाओ, तुम बैठो हम तो चले चल दिए। पार्वती बोली रुको, हम भी आ रहे। बोले आओ, तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे चल रही है। अब आगे आगे पार्वती, पीछे भोला भंडारी।
बड़े मन में मगन है, विचार आ रहे हैं, बचपन में कन्हैया को देखा था, दोबारा दर्शन होंगे भगवान। ये 50